Hey guys, hello, dear Bacho. So, guys, after learning the vertical circular motion, now we are going to learn this conical pendulum case in less than ten minutes. These type of questions are very important, very conceptual, and today you will learn how to solve these conical pendulum problems. And at the end, I'll tell you one single formula with which you can actually solve this problem in no time, right? So, let's get started, students. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हाउ दिस कॉनिकल पेंडोलम लुक्स लाइक कैसे होता है ऑसिलेशन सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं वेन यू टॉक अबाउट नॉर्मल पैंडोलम या फिर जिसको आप सिंपल पेंडोलम कहते हैं द ऑसिलेशन विल बी हैपनिंग राइट या फिर अगर आप ऐसे बात करें कि लेट से यू हैव अ स्ट्रिंग गाइस है ना आपके पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है सो लेट से इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस राइट तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था

तो पार्टिकल पे यहां पर पे सेंट्री फ्यूगल फोर्स यहां पर एम वी स्क्वायर के बाहर की तरफ लगता है कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अगर बात की जाए कॉनिकल पेंडुलम की तो वो इस केस से कैसे डिफरेंट है ये तो सिंपल आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है सिंपल पेंडुलम का राइट एवरीवन बट अगर ये पेंडुलम आप देखेंगे तो ये एक वर्टिकल सर्कल में नहीं बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है तो यहां पे अटैच तो सेम पॉइंट से किया गया है बट इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक दिस ये ऐसे मूव कर रहा है राइट सो इट इज मेकिंग अ कोन क्या सब लोग इसको फील कर पा रहे हैं देखो दिस इज मेकिंग अ कोन बेसिकली राइट एवरी तो ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन इसका हो रहा है एंड इट इज अटैच हियर राइट एवरी सो दिस काइंड ऑफ हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन इज है ज्यादा परेशानी इस बात में होती है कि भाई सेंट्री फ्यूगल फोर्स किस तरफ लगेगा जनरली बच्चे ये याद कर लेते हैं कि अगर पेंडुलम ऐसा है है ना बेटा? Kind of तो तो सर्कल है, है के बाहर की तरफ दिस इज ट्रू फॉर दैट केस है ना सिंपल पेंडुलम वाले केस में वो सही है बट यहां पे सोचो जरा यहां पे तो सर्कल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है इस प्लेन पे हो रहा है बच्चों राइट तो हमेशा सेंट्री फोर्स टल सर्कल जो बन रहा है यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसके बाहर की तरफ होगा बच्चों राइट right? तो यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन तो जस्ट इससे बाहर की तरफ बनाओ सेंटर से होता हुआ एक लाइन आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा ये देखो ऐसे यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा बिकॉज दैट इज द सर्कल दिस इज नॉट योर सर्कल नाउ राइट वर्टिकल सर्कल नहीं है बच्चो हॉरिजोंटल सर्कल है जेंटल सर्कल है तो उसके बस बाहर आपको यानी कि नॉर्मल जिसको आप कह लेते हैं ऐसी एक डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलेगा एंड इफ आई नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों देखो ये आपका पार्टिकल से इस पोजिशन पे है अभी राइट right? एक टेंशन फोर्स लग रहा है विच इज ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑब्वियसली एक एमजी फोर्स लग रहा है बच्चों नीचे की तरफ और जरा सोचो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगेगा दिस इज द सर्कल इट इज डूइंग राइट हॉरिजेंटल सर्कल तो इस पॉइंट पे सर्कल के बाहर ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे वो मिस्टेक मत करना इसको ये मत मान लेना कि ऐसा सर्कल हो रहा है बिकॉज इफ यू डू दैट मिस्टेक तो फिर आप यहां पे लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज कंप्लीटली रॉन्ग राइट एवरी तो ये सही तरीका है ठीक है हॉरिजेंटल सर्कल बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर और एक बार जब आपने ये लिख लिया एक बार जब आप ये समझ गए नाउ इट इज नथिंग बचो नाउ यू कैन किल दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टू मिनट्स अब देखिए ध्यान से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हमेशा हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको देखने को कौन कौन से फोर्सेस मिलेंगे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा बच्चों राइट द वेट ऑफ द ब्लॉक ठीक है यहां पे आपको देखने को मिल रहा है बच्चों टेंशन मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा है ठीक है इसको सेमी कोन एंगल भी कहते हैं देखो अगर पूरा का पूरा कोन होता मान लो आप इसको एक बार कोन समझ लो आइसक्रीम का कोन देखा है ना आपने वैसा कुछ समझ लो तो ये एंगल पूरा का पूरा कहलाता है, टू थीटा. है ना? लेकिन यहां से, वर्टिकल से इसका एंगल है थीटा. तो थीटा. तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल भी थीटा होगा that, है ना? क्योंकि यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है अगर ये थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा ही होगा नो इशू इन दैट राइट और एक फोर्स लग रहा है आपका इस तरफ व्हिच इज एम वी स्क्वायर बाय आर नाउ टू सॉल्व इट अगेन यू विल जस्ट टेक द कॉम्पोनेट ऑफ टेंशन यही तो करते हैं हमेशा टेंशन के दो कॉम्पोन ले कोई परेशानी तो नहीं है, ये है, ये है तो टी कॉस थीटा ऊपर और ये टी है और यहाँ पे थीटा नहीं बन रहा इस तरफ है तो इस तरफ वाला कॉम्पोन टी साइन थीटा हो जाएगा राइट एवरी वन अब आपको क्या करना है वर्टिकल बैलेंस और हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंसेस करने हैं आपको राइट right? अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा नीचे वाला फोर्स एम है ऊपर वाला फोर्स टी थीटा है और अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में करते हो तो टी साइन थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर है तो चलिए हॉरिजेंटल में आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू बाई आर राइट और वर्टिकल में आप क्या लिखेंगे टी थीटा जो कि ऊपर है इक्वल टू तो एम जी अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर राइट तो टेंशन और टेंशन तो कैंसिल हो गए साइन बाई कॉस हो जाएगा बेटा टेन थीटा राइट इक्वल टू यहां से मास और मास कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर इन टू जी ये रिलेशन है बॉब और एंगल का है ना कितना एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ राइट एवरी वन सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू किल दीज क्वेश्चन एक बात का ध्यान रखिएगा प्लीज ये जो आपने लिखा है एम वी स्क्वायर बाई आर ये बेटा रेडियस है सर्कल का किसका सर्कल कि, किसका रेडियस है सर्कल का तो रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा है दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा है सो दिस इज द रेडियस ऑफ योर सर्कल राइट एवरी देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इतना स्ट्रेस डाल के इस बात को क्योंकि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है यहां पे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही रेडियस बन जाती है समझ रहे हो है ना ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इट इट बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल बट क्या यहां पे ऐसा हो रहा है यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो ये है है ना ये पूरा का पूरा ये जो हैपोटेनियस आपको यहां पे दिख रहा है बेटा और यहां से अगर आप एक राइट एंगल right देख पाएंगे तो ये एक्चुअली रेडियस ये वाला साइड है अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा राइट तो यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और रेडियस अलग अलग होते हैं लेकिन हाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लेंथ और रेडियस दोनों सेम थे राइट एवरी वन एक बार जल्दी से रिकेप कर लेते हैं है ना जस्ट हैव अ एंड देन लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेटा तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉर्मली ऐसा होता है राइट एवरी वन और यहां पे हमेशा जैसा कि रूल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के बाहर की तरफ लगता है सो दिस इज द केस बट यहां पे जब आप देखेंगे कॉनिकल पेंडुलम का केस तो यहां पे सर्कल वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल है अभी इस केस में राइट ऐसे मूव कर रहा है अपना पेंडुलम तो ये सर्कल बन रहा है तो यहां पे भी वही लॉजिक है सर्कल के बाहर की तरफ ही तो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट नॉर्मली आउटवर्ड्स आप कह सकते हैं और वहां से हमने यह देख लिया कि फोर्स बैलेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा टेंशन एम जी एम वी स्क्वायर बाई आर तीनों फोर्सेस को कॉम्पोन लेने के बाद टेंशन के कॉम्पोन लेने के बाद हमने इक्वेट किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में और आंसर यहां से आया टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी अगर आप नोट कर रहे हैं चीजों को तो फटाफट -फड़ वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए फिर हम बढ़ते हैं आगे राइट चलिए तो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं राइट एवरीवन लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन तो दिस क्वेश्चन सेज़ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन अ कॉनिकल पेंडुलम इज रूट टू मीटर रूट टू मीटर की लेंथ है स्ट्रिंग की प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट इफ द हाफ कोन एंगल मैंने आपको बताया था हाफ कोन एंगल के बारे में राइट दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री देन फाइंड आउट द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पेंडुलम टेक जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन वंस यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट एंड येस गाइज इफ यू वॉन्ट सच सिमिलर सेशन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन

तो यहां पे क्या दिया गया है हमें दिस इज द पेंडुलम लिट से और इसका जो स्ट्रिंग है बच्चों है ना द स्ट्रिंग इज हैविंग अ लेंथ एल ठीक है ये लेंथ एल है और ये कुछ सर्कल मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन इट इज डूइंग है ना एवरीवन तो आफ्टर डूइंग हाफ रिवॉल्यूशन यहां पे आ जाएगा पेंडुलम राइट बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस देखो यहां से ऐसे ऐसे राइट right, एवरीवन ठीक है तो ये पार्ट हमारा रेडियस कहलाएगा इस सर्कल का बिकॉज दिस इज द सर्कल वी आर इंटरेस्टेड इन

रेडियस कैसे निकालेंगे सिंपल ये जो आपका ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है हैपोटेनियस की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू आपको रूट टू मीटर गिवन है और आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है राइट एवरी वन तो सिंपली आप कॉम्पोनेट दे लीजिए रूट टू का कॉस फोर्टी फाइव कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा और रूट टू का साइन फोर्टी फाइव कॉम्पोनेट ये हो जाएगा तो अगर हम रेडियस की वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा रूट टू टाइम्स साइन फोर्टी फाइव और साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है तो इट विल बी रूट टू इन टू वन अपॉन रूट टू यानी कि आंसर आ जाएगा वन मीटर तो पहली बात रेडियस की वैल्यू कितनी है वन मीटर है अब जब रेडियस की वैल्यू यहां से आ गई है तो टेन थीट कितना होता है बच्चों ठीक है थीटा की जगह पर फोर्टी फाइव रखा वन इक्वल टू वी स्क्वायर यहाँ पे वी स्क्वायर वही हमें निकालना है रेडियस की वैल्यू वन मीटर है जी की वैल्यू है टेन तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा टेन और वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टेन और आई थिंक अंडर रूट टेन विल बी समवेयर अराउंड 3.16 which is your correct answer 3.16 will be your correct answer और एक बात और बता दू अगर आप यहां पे रेडियस के जगह पे गलती से रूट टू रख देते हो क्योंकि रूट टू मीटर गिवन है लगता है कि चलो वही शायद रेडियस होगा है ना आपने जैसे ही वहां पे रूट टू मीटर रखा आई थिंक आपका आंसर 3.76 आएगा विच इज रॉन्ग बट सबसे ऊपर ऑप्शन में वही ऑप्शन प्रेजेंट है राइट सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट आपको रेडियस लिखना होता है ना कि लेंथ राइट एवरी तो एक छोटा सा टॉपिक था वी हैव फिनिश्ड इट देर आर सो मेनी टॉपिक्स इन फिजिक्स लाइक ऑब्लिक कोलिजन स्प्रिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको अलग से 10 10 मिनट के वीडियोस में दी जाए तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी यू लेट मी लो वॉट डू यू वॉन्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है फिजिक्स फटाफट फड़, जहां पे आपको मैं 10 मिनट के अंदर बहुत अमेजिंग कंसेप्ट सिखा दूंगा बच्चों जिससे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स सब्जेक्ट राइट तो चलिए

so there the prices are 58500 and 90000 for one year and two year 6 months option is available in both so you can go with whatever option you want bachcho and uh, also subscribe this channel if you want such videos hit the bell icon and also hit the like button see you soon in the next session bachcho where we'll be doing oblique collision bye bye have a nice day